एक तरफ महामारी और उससे जूझती हुई जनता और दूसरी तरफ शेयर बाजार आज ब्लैक मंडे रहा। 4000 अंकों की गिरावट के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है। शेयर मार्केट में हाहाकार, सेंसेक्स में 3935 अंक की गिरावट। निफ्टी में 1135 अंक की गिरावट। 3.5% तक लुढ़केगी अर्थव्यवस्था। फिर आएगा रोजगार का संकट। सोमवार का दिन एक बार फिर से शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। शेयर बाजार खुलने के कुछ ही देर के भीतर ही मार्च के महीने में दूसरी बार लोअर सर्किट को हिट कर गया। लोअर सर्किट उस हालात को कहा जाता है जब सेंसेक्स या निफ्टी में 10% की गिरावट आती है तो फिर ट्रेडिंग को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। ऐसे में महज 15 मिनट में ही निवेशकों ने 8 लाख करोड़ गंवा दिए। सोमवार के दिन एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दलाल स्ट्रीट को अपना निशाना बना दिया। सेंसेक्स में 3935 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी, जो कि एक दिन की रिकॉर्ड गिरावट मान के चली जा सकती है। सेशंस के दौरान लोअर सर्किट हिट किया और मार्केट को आधे घंटे के लिए रोका गया। ऐसा इसी महीने में दूसरी बार हुआ। एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि वोलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और इस क्वार्टर का बिजनेस सेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और फिनेंशियल निवेश की अगर बात करें तो उसके लिए भी मार्केट का इतनी ज़्यादा गिरना बुरी खबर है। इस घबराहट की बड़ी वजह कोरोना की वजह से हो रहा लॉकडाउन है। देश के 17 राज्यों में 331 शहरों में लॉकडाउन के चलते करीब 60 करोड़ लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए कारोबारी साल में अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.5% तक लुढ़क सकती है। इस साल 2019-20 में जीडीपी घटकर 5% रहने की आशंका है, जबकि अगले साल के लिए कोरोना से पहले अनुमान 6 से 6.5% था। भारत की घरेलू जीडीपी में 55% का योगदान करने वाले सर्विस सेक्टर को सबसे बड़ा झटका इस लॉकडाउन से लगने वाला है। खपत आधारित भारत की अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन से सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सभी तरह के बाजार बंद होने से बिक्री एकदम थम गई है, जो पहले भी कोरोना की मंदी से घट गई थी। हालात इतने खराब हैं कि फरवरी में मोबाइल की ऑफलाइन बिक्री 50% तक गिर गई। इन सब कोहराम से रोजाना मजदूरी करने वाले, दूसरे तरीकों से रोज की बिक्री पर निर्भर रहने वाले लोग बुरी संकट में फंस गए हैं। ठेके पर काम करने वाले लोगों और डेली वेज कर्मचारियों के लिए जोखिम बढ़ गया है। अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसियों के मुताबिक गैर संगठित क्षेत्रों में कोरोना का असर दिखना शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह से जरूरतमंदों की मदद कर मार्केट को राहत मुहैया कराने का काम करती है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।